नमस्कार, स्वागत है आपका मंथली राशिफल में। ये ह्यूमन नेचर है कि हर बार हम अपने बारे में कुछ अच्छा ही सुनना पसंद करते हैं। हम आपको मीठी मीठी बातें ना बताकर ये ग्रह गोचर इस मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है, कुछ अच्छा लेकर आया है या फिर कुछ सावधानियां, इसके बारे में हमें बताएंगे एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं वृष राशि की। नेहा, बिल्कुल सही बात कही है आपने कि बिल्कुल मीठा मीठा नहीं बताना है। एक्चुअल में बताएंगे कि क्या पोजीशन है, क्योंकि लगन से ही पता लग जाता है या राशि से ही पता लग जाता है कि क्या स्थिति चलेगी मई महीने में। तो हम सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले बात तो यह है कि 12वें भाव में ग्रहण है, ये 30 अप्रैल को लगेगा, इसका इफेक्ट अगले महीने रहेगा पूरा, तो ये समझ के चलना चाहिए। 12वां भाव खर्चे का भाव होता है, 12वां भाव स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का भाव होता है, बेड कम्फर्ट्स का भाव होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब होंगी, ये समझ के चलना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। 11वें भाव में गुरु का अपना भाव है, ये गुरु इस भाव के कारक हैं, शुक्र अपनी उच्च राशि में पड़े हैं, उस लिहाज से ठीक है, लेकिन शुक्र यहाँ से चेंज हो जाएंगे, 13 मई को आगे चले जाएंगे, सूर्य 15 मई के आसपास आगे निकल जाएंगे, बुध यहीं पर 10 मई को वक्री हो जाएंगे, मंगल शनि की युति एक बार फिर बन गई है, ये बड़ी मुश्किल से टूटी थी, यहाँ पर थी पहले भाग्यस्थान में लेकिन फिर बन गई है। खैर, 30 अप्रैल को शनि यहाँ पर चेंज हुए हैं, तो अभी यहाँ पर एंटर ही किए हैं, डिग्रिकली मंगल काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो मंगल यहाँ पर 17 मई को आगे निकल जाएंगे, तो ये यहाँ पर त्रिग्रही योग, एक तरीके से दो ग्रही योग ही बनेगा, खैर शुक्र आगे निकल चुके होंगे, तो इस सारी चीज़ का जो है असर केतु 6ठे भाव में है, ये यहीं पर रहेंगे। इस सारी चीज़ का असर आपको पूरा महीना जो है वो इस राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। इसका हम विश्लेषण करेंगे आगे कि कौन से सेक्टर में कहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है या कहाँ पर आपको सावधान रहना है या कहाँ पर आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। जी, तो सर जैसे आपने कहा कि हर सेक्टर का अलग अलग प्रभाव रहेगा, अगर बात करें जॉब की या बिजनेस की, जो लोग जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, शनि कर्म के कारक ग्रह हैं जी, अपने ही भाव में आ गए, यहाँ पर ही थे, यहाँ पर थे तो अच्छे थे, ये अपने से 12वें थे, अपने से 12वें होना अच्छा नहीं होता, लेकिन अपने ही भाव में शनि का होना, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होना और शनि इस साल संवत के राजा होना, ये वृष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि वृष राशि के जातकों के लिए योगा कारक भी होते हैं, ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, ये दोनों भावों के मालिक शनि हैं, तो प्रोफेशनली कमर्शियली जो भी आप काम करते हैं उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। मंगल यहाँ पर पार्टनरशिप हाउस के मालिक है, भले ही कोई कहे कि मंगल शनि आपस में मित्र नहीं है, दुश्मन है, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मंगल यहाँ पर विदेश वाले भाव से भी संबंधित है, तो जिनका काम इमिग्रेशन से संबंधित है, जिनका काम फॉरेन ट्रांजैक्शन से संबंधित है, जिनका काम एक्सपोर्ट से संबंधित है, उनको यहाँ बहुत अच्छे फल मिलेंगे। कम से कम पहला हाफ जो मई का है वो काफ़ी अच्छा रहेगा ऐसे लोगों के लिए जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे, तो ये क्योंकि मंगल यहाँ पर नेहा दिग्बली हो जाते हैं, पूरा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ फुल हो जाता है मंगल का यहाँ पर, तो जब मंगल यहाँ पर है तो आपके काम की एग्जीक्यूशन बड़ी तेज़ हो जाएगी, आप अपनी असाइनमेंट्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से निपटाएंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मंगल लग्न को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपका वाणी के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो चीज़ें आपके साथ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वृष राशि के जातकों की फैमिली, लव और रिलेशनशिप की। देखिए नेहा, जहाँ तक फैमिली या अफेयर्स की बात है जी, तो यहाँ पर सप्तम के मालिक मंगल हैं, मंगल अगेन अपने से 4थे हैं और शनि की राशि में है, शनि के साथ हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा असर देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। उसका कारण यह है कि केतु इस भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि आपसी तालमेल थोड़ा सा बिगड़े, पार्टनर्स का या जो कपल्स हैं उनका थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र यहाँ पर मैरिज के कारक ग्रह हैं, वो उच्च राशि में है, खैर अच्छी स्थिति है, लेकिन मंगल सूर्य और राहु के बीच में होना, पापकर्त्री में होना अच्छा नहीं है एक तरीके से, तो थोड़ा सा मन व्यथित हो सकता है, अपने आपके पार्टनर की बात से आप हो सकता है सहमत ना हो किसी चीज़ पर, तो वहाँ पर रिएक्ट करने की बजाय उसको स्थिति को समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा स्थिति को अवॉइड करेंगे तो चीज़ें बेटर चलेंगी, नहीं तो हो सकता है कि मंगल के कारण, क्योंकि मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ रही है तो गुस्सा आएगा, तो गुस्से में रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बुध यहाँ पर वक्री हैं, हालांकि बुध सप्तम को देख रहे हैं लेकिन बुध वक्री हो जाएंगे 10 मई के बाद, स्पेशल आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। बुध सौम्य ग्रह हैं, बुध जब लगन में होते हैं तो सप्तम को ख़राब नहीं होने देते नॉर्मली, लेकिन फिर भी जब वक्री हो जाएंगे तो इसके इफेक्ट जो है वो थोड़े से मिनिमाइज हो जाएंगे, आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक सिंगल्स की बात है नेहा, तो सिंगल्स के लिए समय अच्छा है, क्योंकि गुरु शुक्र दोनों पंचम को देख रहे हैं, तो पंचम एक्टिवेट है, जो सिंगल्स हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए शादी का रास्ता इस मई महीने में ही खुलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कोई रिश्ता आए, वहाँ पर एग्जीक्यूशन हो जाए, रोका हो जाए या एंगेजमेंट हो जाए,
या जिस सिंगल का किसी के साथ लगाव है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो हो सकता है बात आगे आपकी चल पड़े। जहाँ तक शादी की बात है तो शादी वाला भाव भी एक तरीके से एक्टिवेट है, तो शादी भी नेहा हो सकती है क्योंकि बुध गुरु दोनों ही सप्तम को देख रहे हैं, तो शादी होने के भी चांसेस हैं। तो ये रिलेशनशिप के लिहाज से महीना मई का इनके लिए ऐसा ही रहेगा जी। तो सर अगर बात करें स्टूडेंट्स या लर्नर्स की, क्या उनके लिए भी समय सही है? देखिए नेहा, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है उनके लिए बुध देखिए पांचवें के मालिक हैं, हायर स्टडी का भाव है जी। वो लगन में चल गए तो मन काफ़ी लगेगा पढ़ाई में। गुरु यहाँ पर अपनी राशि में है तो गुरु पंचम को देख रहे हैं, इस लिहाज से भी अच्छा है। तो जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, खासतौर पर कॉमर्स की स्टडी कर रहे हैं या ऐसी स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर नंबर्स का गेम होता है, उनके लिए तो स्थिति काफ़ी अच्छी है क्योंकि तीनों प्लैनेट एक तरीके से पंचम के प्रभाव में आ गए। पंचम खुद लगन में चला गया, गुरु शुक्र दोनों पंचम को देख रहे हैं सामने सातवीं दृष्टि से, तो एक तरीके से ये स्थिति अच्छी हो गई है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, मन पढ़ाई में लगेगा। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित है, उसके लिए मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जी। सर अब अगर बात करें इनकी हेल्थ और ट्रैवल की, तो हेल्थ कैसी रहेगी और कितना ट्रैवल करेंगे ये जा तक? देखिए नेहा, शनि यहाँ पर नाइन्थ हाउस के मालिक हैं जी, टेंथ के भी मालिक हैं, शनि केंद्र में आ गए हैं तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर चले जाएंगे बारहवें भाव में इनकी राशि में, तो शुक्र नॉर्मली लेजर ट्रैवल करा सकते हैं और बाहर विदेश आपको घूमने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन ये स्थिति आएगी मई मिड के बाद, क्योंकि शुक्र यहाँ पर मई मिड के बाद ट्रांजिट करेंगे, तो मई मिड के बाद का समय ट्रैवल के लिए अच्छा है। खासतौर पर ऐसी यात्रा जो पानी के आसपास है या समंदर के आसपास है या समंदर के पार है, वो यात्रा आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। शुक्र लगन के भी मालिक हैं नेहा, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग लगन का मालिक जब बारहवें भाव में चला जाएगा, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ से विदेश जाएं घूमने के लिए या स्टडी के लिए जाएं तो वहीं पर रह जाएं। ये भी एक स्थिति बन रही है। अदरवाइज लेजर टूरिज्म ज़्यादा होगा, रिलीजियस टूरिज्म यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। तो नेहा, जहाँ तक इसकी हेल्थ की बात है वृष राशि के जातकों के लिए, तो छठे भाव में केतु चल रहे हैं जी। तो ये जब तक केतु का ट्रांजिट है वैसे ही इनको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। छठा भाव ऐसी बीमारी का भाव होता है जो आती है और चली जाती है, यानी कि क्योरेबल डिजीज़। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात मोटे तौर पर मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि सूर्य राहु चंद्रमा सारे सप्तम को देख रहे हैं और सप्तम का मालिक अपने से छठे भाव में बैठा है पहले हाफ में मई के, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन ये माइनर प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर हेल्थ को लेकर नज़र नहीं आ रही है जी। तो सर अगर बात करें वृष राशि के जातकों की रेमेडीज़ की, जैसे हेल्थ के लिहाज से अगर उन्हें कुछ रेमेडीज़ करनी है या फिर ओवरऑल रेमेडीज़ करनी है तो क्या कर सकते हैं? देखिए ओवरऑल रेमेडीज़ के लिए मुझे लगता है कि लगन का मजबूत होना आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है। आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा कोई भी चल रही है, यदि आपका लगन मजबूत है तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ठीक रहती हैं। तो यहाँ पर वृष राशि के जातकों के लिए उनको गौ की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। गौ की सेवा करने से आपका शुक्र मजबूत होता है। आपकी हम उम्र फीमेल है उसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए, क्योंकि हम उम्र की फीमेल आपकी बहन को छोड़कर वो बुध होती है, सारी फीमेल जो है वो शुक्र होती हैं। यदि आप उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आएंगे तो आपका शुक्र जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो है वो आपको करनी चाहिए जी। तो ये था वृष राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि मिथुन की। जुड़े रहें हमारे साथ, धन्यवाद। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।